चिल्ड्रेन वेलकम टू ई क्लासेस बेटे। संधि का टॉपिक आप हिंदी में भी कर चुके हैं, ठीक है। स्वर संधि के पांच प्रकार आप हिंदी के पार्ट वन और पार्ट टू में कर चुके हैं। सिमिलर यही संधि आपको अभी गुजराती में भी करनी है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है। वहाँ स्वर संधि के पांच प्रकार अलग अलग किए थे, यहाँ पे कोई अलग से प्रकार नहीं है, केवल कंटिन्यू नियम ही दिए हैं, ठीक है। अलग अलग पार्ट में इसको हमने डिवाइड नहीं किया है, इसीलिए पूरे एक ही वीडियो में एक ही पार्ट में पूरी की पूरी आपको स्वर संधि कंप्लीट करनी है। आप अपनी नोटबुक निकाल के रखें और साथ साथ नोट भी करते जाएं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। जारी भी अलग अलग वर्ण मणि ने, वर्ण इतने के अक्षर, मणि ने एक नवो आवाज अथवा ध्वनि ने उत्पन्न करे त्यारे तेने संधि कहेवाय छे। ओके, जारे बे अलग अलग प्रकारना वर्ण मळे अने नवो आवाज उत्पन्न थाय तेने कहेवाय स्वर संधि। स्वर संधि पहलो प्रकार, बीजो व्यंजन संधि, त्रीजो विसर्ग संधि। फर्स्ट स्वर संधि, सबसे पहला नियम है अ प्लस अ। जैसे आपने हिंदी में नियम किए थे स्वर संधि के, सिमिलर वैसे के वैसे ही सारे के सारे नियम हैं, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत एग्जांपल अलग अलग हूँ, लेकिन नियम सारे के सारे वही फॉलो करने हैं आपको। अ प्लस इज इक्वल टू आ, अ प्लस इज इक्वल टू आ, आ प्लस इज इक्वल टू आ, आ प्लस इज इक्वल टू आ। ओके, फॉर एग्जाम्पल सूर्य प्लस अस्त, सूर्य अ अस्त अ बे मड़ी ने शू बनी गया आ, सूर्य प्लस अस्त सूर्यास्त। वात प्लस आवरण तो वातावरण। थर्ड आ प्लस अ तो एंसर आ, भाषा प्लस अंतर, भाषा में आ नो स्वर, अंतर में अ, बे मड़ी ने शू बनी जैसे आ, भाषा प्लस अंतर भाषांतर। आ फोर्थ नियम, आ प्लस आ तो भी आंसर आ, विद्या प्लस आलय, विद्या अनुस्वर आलय आ, बे मड़ी ने आ बनी जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय। नानी ई प्लस नानी इज इक्वल टू मोटी ई, हरी प्लस इच्छा तो हरिच्छा, रानी साथे मोटी नी मात्रा। नानी ई प्लस मोटी इज इक्वल टू मोटी ई, परी प्लस इच्छा, परी नानी ई, इच्छा मोटी ई, बे मड़ी ने बनी जैसे परीक्षा, रानी साथे मोटी नी मात्रा। मोटी ई प्लस नानी इज इक्वल टू मोटी ई, देवी प्लस इच्छा इज इक्वल टू देविच्छा। मोटी ई प्लस मोटी इज इक्वल टू मोटी ई, गौरी प्लस ईश्वर गौरीश्वर। नानऊ प्लस नानऊ इज इक्वल टू मोटो ऊ, गुरु प्लस उपसदन, गुरु उपसदन एट्ले कि गुरु नो आश्रम अथवा घर, गुरु प्लस उपसदन तो बनी जैसे गुरु उपसदन। जयरे गुजराती भाषा में मोटो ऊ लखो है त्यारे र नी साथे आवी रीते ऊ नी मात्रा लखवामां आवे छे। नानो ऊ प्लस मोटो ऊ इज इक्वल टू मोटो ऊ, सिंधु प्लस उर्मी इज इक्वल टू सिंधुर्मी। नेक्स्ट मोटो ऊ प्लस नानो इज इक्वल टू मोटो ऊ, वधु प्लस उत्सव, वधु मोटो ऊ, उत्सव नानो ऊ इज इक्वल टू वधुत्सव, ध नी साथे मोटो ऊ। मोटो ऊ प्लस मोटो इज इक्वल टू मोटो ऊ, वधु प्लस उर्मी, वधु मोटी ऊ नी मात्रा, उर्मी मोटो ऊ इज इक्वल टू वधुर्मी, एट्ले कि ध नी साथे मोटो ऊ नी मात्रा। अ प्लस ई इज इक्वल टू ए, ये अभी आगे के नियम हैं, ये पहले आपने जो की वो बिल्कुल इजी मेजी संधि थी, हमेशा आंसर आ में, बड़ी ई में, बड़े ऊ में आंसर आता था। अब हम जो आगे पढ़ रहे हैं ना वो थोड़े अलग प्रकार के नियम हैं और थोड़े अलग प्रकार के एग्जांपल हैं। अब है अ के साथ ई की मात्रा, अ अने नानी ई नी मात्रा, तो बे मड़ी ने शू बनी जैसे ए, स्व व नी साथे अ नो स्वर, इच्छा ई, अ प्लस ई मड़ी ने बनी जैसे ए, स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा। ओके, अ प्लस मोटी ई तो भी आंसर, तो पण आंसर ए, गण प्लस ईश इज इक्वल टू गणेश। आ प्लस नानी नी मात्रा छता आंसर एमा जाशे, यथा प्लस इष्ट, यथा अनुस्वर इष्ट नानी ईनी मात्रा, बे मड़ी ने शू बनी जैसे ए, यथा प्लस इष्ट यथेष्ट। आ प्लस मोटी नी मात्रा छता आंसर ए, महा प्लस ईश इज इक्वल टू महेश। अ प्लस ऊ इज इक्वल टू एंसर को शिमा आवशे ओ,
वन प्लस उत्सव, वन अनो स्वर उत्सव ऊ बे मड़ीने बनी जशे ओ, वन प्लस उत्सव वनोत्सव, अ प्लस मोटो ऊ छता एंसर ओ में ज आवशे बीजो कोई एंसर नहीं, नव प्लस ऊढ़ा नवोढ़ा, नवोढ़ा एटले के नवी दुल्हन, नव वधू पण तेने कहेवामां आवे छे। आ प्लस ऊ छता तेने एंसर ओ में ज आवशे, महा प्लस उत्सव महोत्सव, आ प्लस मोटो ऊ छता एंसर ओ में ज, गंगा प्लस उर्मी, उर्मी मोटो ऊ गंगा आ बे मड़ीने बनी जशे ओ गंगोर्मी, अ प्लस र ऋषि छतो एंसर अर, सप्त प्लस ऋषि सप्त त मां अनुस्वर र ऋषि बे मड़ीने बनी जशे सप्तर्षि, आ प्लस र छता एंसर अर में ज आवशे, महा प्लस ऋषि महर्षि। आई होप बेटे आपको यहाँ तक की संधि समझ में आ चुकी होगी अच्छे से। वापस एक बार बात रिपीट कर रही हूँ, नोटबुक लेके रखेंगे और अपने साथ साथ ये सब नोट करते जाएंगे। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका जो तीसरा नियम है संधि ना पूर्व, पूर्व एटले के पहला, नानी ई अथवा मोटी ई, संधि पछी अ अथवा आ होय तो एंसर शीमा परिवर्तित थई जशे य मां। एनो बीजो नियम संधि ना पूर्व नानो ऊ अथवा मोटो ऊ, संधि पछी अ अथवा आ तो एंसर शीमा आवशे व मां। त्रीजो नियम संधिना पूर्व र ऋषि ने मात्रा अने सात एनी पाछड़ अ अथवा आ होय तो एंसर र मां ज आवशे। एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, संधिना पूर्व वाळो अक्षर हमेशा आ संधि में शू थई जशे अर्धो, ओके ई अथवा आ, संधिना पूर्वे नानी अथवा मोटी ई तो अहीं नानी ई आवी गई, संधि पछी अ अथवा आ तो अहीं शू आवी गयो आ, इति प्लस आदि, ओके। नियम में देखो बेटे इति नानी ई नी मात्रा इति आ नो स्वर आदि बे मड़ीने शू बनी जशे एंसर या, अने संधिना पूर्ववारो अक्षर अत्यारे मैं तमने समझाव्यू संधिना पूर्ववारो अक्षर हमेशा अर्धो थई जशे तो त नी मात्रा, संधिना पूर्वे शू छे त, त नो स्वर शू थई जशे अर्धो, इति प्लस आदि इत्यादि एटले के आ नी जगह आवी जशे य, ओके। नेक्स्ट नियम नानी ई अने साथे अ नो स्वर, संधि पूर्व नानी अथवा मोटी तो अपनी पास नानी ई प्लस अ इज इक्वल टू एंसर आशे य मां, जेवा प्रकारनो अहीं स्वर होय संधि पछी एवो ज स्वर एटले के मात्रा य नी साथे जोड़ाई जशे, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ओके बेटे। प्रति नानी ई ने मात्रा अक्ष अ नो स्वर, फिर से एक बार नियम को देख लो, संधि पूर्व नानी ई प्रति नी साथे नानी ई ने मात्रा संधि पूर्व अक्ष अ नो स्वर तो त शू थई जशे अर्धो अने अ नी जग्या य, प्रति प्लस अक्ष प्रत्यक्ष, ओके बेटे। ई प्लस अ इज इक्वल टू य, सिमिलर नियम वी प्लस अर्थ तो शू बनी जशे व्यर्थ, व शू थई जशे अर्धो, ऊ प्लस आ संधि पूर्व नानो अथवा मोटो ऊ, संधि पछी आ तो शू बनी जशे एंसर में वा, सू प्लस आगत इज इक्वल टू स्वागत, ऊ प्लस आ इज इक्वल टू वा, गुरु प्लस आज्ञा गुरु आज्ञा एटले गुरुनी आज्ञा, र ऋषि प्लस आ तो बनी जशे रा, पितृ प्लस आज्ञा इज इक्वल टू पित्राज्ञा। एक बात आप याद रखना, जब त के साथ र आ जाता है तो उसके लिए एक नया व्यंजन बन जाता है हिंदी गुजराती दोनों भाषा में त्र, जिसमें हम नेत्र में लिखते हैं ना त्र, वैसा ही त्र। लास्ट इसका नियम है, बस तीन चार एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे आपकी स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगी। देख लीजिए चार नियम, संधि ना पूर्व ए प्लस संधि पछी अ होय तो बे मड़ी ने शू बनी जशे अय, ओके। संधि पूर्व ए एज नियम रिपीट थाय छे अने संधि पछी कोई भिन्न स्वर एटले के अ तो बे मड़ी ने बनी जशे अय, ने प्लस अन नानी साथे कयो स्वर ए नो, अन मां अ तो ने प्लस अन शू बनी जशे नयन। इससे पहले आपने जितने भी संधि किए ना उसमें एक ही आंसर आता था, ओके। यहाँ पे ऊपर देख लो या य य वा वा रा, लेकिन ये जो संधि का लास्ट नियम है वो थोड़ा टिपिकल है, इसमें आंसर में दो दो अक्षर आएंगे। संधि का पहले वाला अक्षर अ के अ जो है संधि के पहले वाले अक्षर के साथ, य संधि के बाद वाले अक्षर के साथ, ओके। ने ने शेनो रूप थरी जशे नानो, अने अ नी जगह शू आवी जशे य तो ने प्लस अन नयन। सिमिलर यही नियम सब पे फॉलो होगा आगे।
अय प्लस अ तो छता पण एन्सर शीमा आवशे आय, गए प्लस अक तो गए मां एनो स्वर अक मां अ इज इक्वल टू बनी जशे गायक, एनो स्वर निकली ने शू बनी जशे आ, गए प्लस अक गायक। ओ प्लस अ छता एन्सर अ, पो प्लस अन तो प प पो मां ओ नो स्वर अन मां अ तो बे मड़ी ने शू बनी जशे पवन, कारण के एन्सर मां शू छे अ छे तो प पो अनुरूप थई जशे, पो प्लस अन इज इक्वल टू पवन एटले के ओ नो स्वर हटीने प थई जशे। औ प्लस अ इज इक्वल टू आव, पौ प्लस अक इज इक्वल टू पावक। आई होप आपको ये सारी संधि अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी, पूरा का पूरा नोट कर लेना ग्रामर नोटबुक में। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बेटे, थैंक यू।